ये बहुत ही बड़े यूट्यूबर बनेंगे बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा। आखिर कौन है ये जिनको अप्रोच किया गया है बिग बॉस ओटीटी के लिए और इनका नाम जो है बिग बॉस ओटीटी को लेकर सबसे ज्यादा आगे आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यार क्या यही है जो बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा बनेंगे या फिर ये एक छोटा सा कोई प्रैंक प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली करते हैं बहुत बार, लेकिन इस बार तो कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी लग रही है कि कंफर्म हो चुकी है ओवरऑल ये बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा जरूर होंगे। तो आखिर कौन से यूट्यूबर है और कहां से बिलोंग करते हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अगर बात की जाए जिस तरीके से ओवरऑल ये सारी चीजें हुई हैं बिग बॉस ओटीटी को लेकर जो बस बना था इतने समय तक, एक चीज अभी तक लोगों में एक सवाल था कि यार सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी तक यही था कि बिग बॉस ओटीटी आ कब रहा है। तो बता दूं कि 17 या 18 जून तक जो है बिग बॉस ओटीटी हमको देखने को मिल जाएगा। और इनिशियली सलमान सर ने भी, सलमान भाई ने भी ये चीज़ बोली थी जब ओटीटी का प्रोमो आया था तभी, कि क्रिकेट के बाद क्या देखें, तो भाई बिग बॉस ओटीटी देखो, क्योंकि ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि ये बिग बॉस ओटीटी एक बहुत बड़ा हिट साबित होगा, क्योंकि चाहे वो जिया शंकर हों और बहुत सारे लोगों को मतलब एज अप्रोच किया गया है कि अब उमर रियाज को दोबारा से लाने की कोशिश चल रही है। मुनव्वर फारूकी ने शो को मना कर दिया है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस और इनिशियली अप्रोच किया गया है जिनकी तरफ से अगर देखा जाए तो शायद हाँ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन इस समय इस एक यूट्यूबर का नाम आना अचानक से, वो भी बिग बॉस ओटीटी के लिए, ये बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से इस बीच में कलर्स की प्लानिंग रही है, मतलब जिस तरीके से बिग बॉस वालों ने भाई प्लानिंग रखी है अंडमोल वालों की, पहले तो बिग बॉस 16 में एमसी स्टैन की एंट्री, उसके बाद खतरों के खिलाड़ी में डीनो जेम्स की एंट्री, और अब एक यूट्यूबर की बिग बॉस ओटीटी में एंट्री। ये शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऑडियंस खींचने का भी प्लानिंग हो या चांसेस हो कि यार जो उनकी ऑडियंस है जो उनकी यूट्यूब चैनल को देखती है वो अब यहाँ पर ज्वाइन करे। मैं बात कर रहा हूँ अनुराग दोबाल की, जो कि उत्तराखंड से हैं और एक फेमस यूट्यूबर है जिनके YouTube चैनल का नाम है UK07 Rider, और इनका चैनल जो है भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 6 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं इनके, सब्सक्राइबर्स हैं YouTube पे। अब देखने वाली बात है क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने एक ब्लॉग भी डाला था जो जहाँ पर ये केदारनाथ गए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर उसके बाद उसमें थंबनेल में भी इन्होंने चीज़ देखी है, फाइनली दर्शन हो गए और बिग बॉस का भी कॉल आ गया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सच में, मतलब बीच में यूके राइडर ने चीज़ बोली थी, अनुराग ने बोली थी ये चीज़ कि वो बिग बॉस के साथ टॉक्स में है, अभी तक इस पर कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन देखने वाली बात है कि अगर अनुराग ज्वाइन करेंगे तो भाई इनके चांसेस थोड़े से हैं जीतने के ज़्यादा, और कहीं ना कहीं इनकी जो ऑडियंस है वो भी ओटीटी पर इनको देखने के लिए आएगी। तो अनुराग को यानी कि UK07 राइडर को आप बिग बॉस ओटीटी में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।